हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। और आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी गट्टे की सब्जी। और इस रेसिपी को हम बहुत ही कम घी तेल में तैयार करने वाले हैं, इसलिए आज की रेसिपी को छोड़ के कहीं ना जाएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गट्टे तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए एक बड़े बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी बेसन, और जितनी सब्जी हम बनाने वाले हैं वो लगभग 5 लोगों को सर्व करेगी। और बेसन के अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। गट्टे की सब्जी थोड़ी हैवी होती है खाने में, इसलिए इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करें। और अब हम सारी सूखी हुई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी से गट्टों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद में एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, और इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए, डो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। पानी बस हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, क्योंकि बेसन एकदम से बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा डाल दें तो। और देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि हाथ में बांधने में भी एकदम बन रहा है। ठीक इसी तरह का हमें डो तैयार करना है, और इस डो में से हम छोटे छोटे पोर्शंस अलग करेंगे। थोड़ा सा हाथों पर घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ डो को पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद में हम इसे हथेलियों के बीच में रोल करेंगे और इसकी एकदम पतली पट्टी की तरह बना लेंगे। गोल एकदम स्टिक्स की तरह इनको तैयार कर लेंगे। आपको जितने मोटे भी गट्टे रखने हों उसी अकॉर्डिंग आप इनको पतला या मोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे गट्टे नहीं बनाने वाली हूँ, मैंने पतले ही बनाने हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे पतला रोल कर लिया है, और सारे पीसेस को मैंने रोल करने के बाद में इन्हें अब मैं ऐड कर रही हूँ उबलते हुए पानी में। तो इन गट्टों को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये पानी में थोड़ा सा ऊपर ना आने लगें। लगभग 15 से 20 मिनट इस प्रोसेस में लगता है। और जब तक गट्टे उबल के तैयार हो रहे हैं तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए मैं एक पैन में ऐड कर रही हूँ देसी घी। यहाँ लगभग मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। और जीरे के अच्छे से भुन जाने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन। लेकिन लहसुन ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून चॉप की हुई लहसुन ऐड की है। लहसुन के अच्छे से भुन जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग। यहाँ लगभग 1/4 टीस्पून मैंने हींग इसके अंदर ऐड की है। और अब बारी आती है इसके अंदर पिसी हुई प्याज ऐड करने की। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को हमें खूब अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक कि प्याज की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और जितनी देर में प्याज भून रही है आप देख सकते हैं कि हमारे गट्टे भी ऑलमोस्ट उबल कर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि गट्टे पानी में ऊपर आने लगे हैं और ये खूब अच्छे से पक चुके हैं। गट्टा अच्छे से पक चुका है, इसको पहचानने के लिए आप इसे बीच में से कट करें। एक तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके बीच में भी एकदम अंदर तक ये पक चुका है। ये बिल्कुल भी सूखा महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गट्टे अच्छे से उबल चुके हैं, और इन्हें अब हम पानी से बाहर निकाल देंगे। और जिस पानी में हमने गट्टों को उबाला है उसे हमें फेंकना नहीं है, बाद में हम इसी पानी को ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे गट्टे मैंने निकाल लिए हैं, और ये देखने में देखिए इस तरीके के दिख रहे हैं। और अब मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करने वाली हूँ। आपको जितने भी मोटे गट्टे रखने हों आप उस अकॉर्डिंग इन्हें कट कर सकते हैं। और ये देखिए, गट्टा देखने में अंदर से इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो सारे गट्टों को मैंने काट कर तैयार कर लिया है, और वापस से हम चलते हैं हमारी ग्रेवी की तरफ। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं बाकी के मसाले। प्याज भूनने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, एकदम अच्छे से भूनें, और तब तक भूनें जब तक कि इससे पानी की आवाज़ आनी एकदम बंद ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये लीजिए, हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे।
और मसालों के अच्छे से भून जाने के बाद में हमें इसके अंदर ऐड करना है दही। तो यहाँ पर हमने जितनी प्याज ली थी ठीक उसकी आधी क्वांटिटी में दही का इस्तेमाल करना है। दही डालने के बाद में इसे लगातार चलाते रहें वरना दही फट सकती है। दही डालने के बाद में हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और दही के भुन जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ टमाटर। तो जितनी क्वांटिटी में हमने प्याज का इस्तेमाल किया था ठीक उतनी ही क्वांटिटी में हमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें भूनना है और जब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर का मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मसाले को एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गट्टू का पानी। जिस पानी में हमने गट्टू को उबाला था उसी पानी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी मैं इसके अंदर लगभग 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। जब हम इसके अंदर गट्टे डालेंगे तो ये अच्छी खासी थिक हो जाएगी ग्रेवी। यहाँ गट्टों का जो पानी है वो इस सब्जी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। पानी डालने के बाद में गैस की फ्लेम को हाई पर कर दें और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें एक उबाल आने दें। उबाल आने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे गट्टे। तो यहाँ सारे कटे हुए गट्टे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को लो पर कर दें और लो फ्लेम पर हम इसको ढककर पकाएंगे। लगभग 10 मिनट तक हमें इन्हें पकाना और है। ये लीजिए 10 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा गर्म मसाला और ऐड करने वाले हैं। यहाँ लगभग 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला ऐड किया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सर्व करें और ये देखिए हमारी सब्जी देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। तो आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें।